हाँ यहाँ से देखा सामने से हुई। 12/2/2006 को एडवाइजरी कमेटी की पीसी के उपरांत दो अभियुक्त हरपाल सिंह और राकेश कुमार वापस देहरादून ट्रेन से कारागार मुरादाबाद ले जाए जा रहे थे। उसमें से एक अभियुक्त हरपाल सिंह, दोनों अभियुक्त कूद कर भाग गए। उसमें से राकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हरपाल सिंह 2006 से लगातार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और झारखंड में छुपकर रह रहे थे। इनके ऊपर 1,00,000 का पुरस्कार घोषित था। हमारी श्री पंकज पंत निरीक्षक और सतीश कुमार तथा इनकी टीम द्वारा इनको आज 9:40 पर अमरोहा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी से हमारे जो वांछित अभियुक्त ला था हरपाल सिंह, इसमें कमी आई और इनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था अंदर अंदर खाने अपराध कराने का, उस पर पूरी रोक लगेगी और हरपाल सिंह जो है आज जेल भेज दिए जाएंगे। सर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर? इनके ऊपर कुल अभियोग दर्ज हैं 11 अभियोग इनके ऊपर दर्ज है। पूर्व से ऐसे कार्रवाई इनके ऊपर चल रही थी, तभी से फरार चल। सर किस तरीके से अपने कारनामे को अंजाम दे रहे थे? ये छुप करके अपने जिनका जो गिरोह थे और इनके जो सदस्य थे उनको ये मोटिवेट करते थे कि आप लोग ट्रेनों पर इस तरह का अपराध करिए और इनको हो जाता उसमें पैसा मिलता हो इनको, इसीलिए इतने दिन तक छुप करके रहते रहे और इनका आर्थिक लाभ होता रहा। हमारी टीम द्वारा जो है जो बड़ा सराहनीय कार्य किया गया इनको पकड़ करके, जो इनका नाम जो है ये अपना नाम बदल कर रह रहे थे, इनका असली नाम था हरपाल सिंह, इन्होंने अपना नाम हरिमंडल कर दिया। हरिमंडल पुत्र रोशन सैनी उर्फ मोहन सिंह उर्फ मोहन मंडल करीचू छुप करके रह रहे थे। उनकी गिरफ्तारी से रेलवे के अपराधों में काफ़ी रोक आई। कहाँ कहाँ आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था उत्तर प्रदेश के अलावा? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और झारखंड, इन प्रांतों में ये अपराध। अच्छा, 2006 को ये फरार हुआ था, 2018 इस दौरान सर कहाँ कहाँ रहा और क्या आपराधिक वारदातों को तब भी अंजाम देता था फरारी के दौरान? इस दौरान ही बिहार रहा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, झारखंड छुप करके रहा। इसका परिवार से संबंध भी कट गया था। ये जो है अपना नाम बदल कर कभी अमरोहा रह रहा था, कभी गजरौला रह रहा था, कभी हापुड़ चला जाता था। तो फरारी के दौरान आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था ये? नहीं, जरूर देता रहा होगा, उसमें पकड़ नहीं आया। आज अमरोहा स्टेशन पर 9:40 पर। अच्छा सर, जो इस पे आपने मुकदमे बताए वो अकेले मुरादाबाद मंडल में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाकी राज्य जो आप बता रहे हैं क्या वहाँ कोई संपर्क आपने किया? जहाँ वहाँ संपर्क कर रहे हैं उसके अन्य प्रांतों के जो अभियोग हैं उनको भी हम करेक्ट करेंगे और उनको जोड़ करके इसको। तो क्या लगता है क्या बाकी प्रदेशों में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे? निश्चित दर्ज होंगे, कि उसने अपराध किया, अपराध जगत में जो आदमी रहेगा वो अपराध नहीं छोड़ सकता है और स्थानीय स्तर के अलावा बाहरी जगह पर भी अपराध करेगा, उनको भी हम। आपके द्वारा मुरादाबाद जो टीम है उसको भी इनामी घोषणा? हाँ, इसके द्वारा 1,00,000 इनाम घोषणा हुई, जैसे पुरस्कार घोषित था। इसके अतिरिक्त उसको और पुरस्कार दिया जाए इस टीम को।